हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तानी कॉफ़ी। फिर से आपको लेकर के आया हूँ एक बढ़िया सा जगह पे, बढ़िया सा सिटी में, फ्रेंड्स पोलिनेशिया में। दोस्तों जो भी मेरे पिछले वीडियो देखा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि और भी लोगों को पहुँचे, और अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल तानिको को। और अभी मैं आया हूँ फ्रेंड्स पोलिनेशिया का कैपिटल ऑफ द सिटी, पपेते बोलता है, पपेते पे आया हूँ मैं अभी। सो अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाला हूँ अच्छे जगह पे, बढ़िया सा एक थोड़ा सिटी में घूमेंगे, उसके बाद बढ़िया सा एक आइलैंड पे फिर से जा रहा हूँ मैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम बिल्कुल गर्मी है और बारिश भी आएगा शायद, तो बारिश आने से पहले हम लोग शायद बीच पे पहुंच जाएंगे। पर एनीवे वीडियो पे लगे रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग पूरा सिटी घूमने वाला हूँ और आइलैंड देखने के लिए जाने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है। चले तो फिर वीडियो के अंदर चलते हैं। ओके दोस्तों, ये रहा जो मतलब कैपिटल सिटी पपेते, तो यहाँ से हम लोग निकलने वाला हूँ। सो अभी क्रॉस करेंगे इसके रोड से, और यहाँ से हम लोग बाइक रेंट कर सकता है शायद, पता नहीं कितना लेगा बाइक रेंट किया तो, पूछने का था इसको बाइक रेंट कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। ओके दोस्तों, अभी अभी हम लोग गाड़ी रेंट किया है या टैक्सी रेंट किया, टैक्सी से निकल रहे। सो ये रहा हो गया अभी हमारा टैक्सी। सो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, अभी आप लोग राइड करते हुए देखते रहने का, ठीक है? क्या बोलते हैं, कार ट्रैवलिंग करने का, जो अभी व्यू व्यू एंजॉय करो आप, ठीक है? साथ पीछे हमारे टीम आ गया फिर से। हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू बीच अगेन। इज ब्लैक ब्लैक सैंड और वाइट वन? वाइट वन, या वाइट वन। चलो अभी एंजॉय करो राइड, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। क्या बात है, बढ़िया है भाई, वाह। तो दोस्तों अभी आप लोग खाली जो बाहर का व्यू है वही देखने को मिलेगा क्योंकि कार के अंदर बैठा है हम लोग। यहाँ से करीब 35 मिनट्स या 25 मिनट्स लगेगा हम लोग को बीच तक पहुँचने के लिए, और हमारे हमको चार्जेस किया है वो लोग $20 एक आदमी को आने जाने का, मतलब वन वे $10 है और वापस आने का $10 भी लेगा वो लोग, तो इसका मतलब $20 खर्चा हो गया ऐसा। तो इंडिया के हिसाब से 1700, 1600, 1700 का हिसाब से जाएगा। ये शॉपिंग एरिया है पूरा, बिल्कुल। दोस्तों ये जो कंट्री है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच में है, यहाँ से फिजी जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आया था यहाँ पे बोरा बोरा बोल के एक आइलैंड है यहाँ पे उनका, वहाँ से वहाँ पे आया था। और वैसे ये जो कंट्री है उसका आइलैंड करीब 118 या उससे ज़्यादा भी है आइलैंड। ये कंट्री पॉपुलेशन तो बहुत कम है, पॉपुलेशन 3 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का भी बराबर नहीं है। एंजॉय कीजिए राइड, ट्रैफिक तो बहुत जाम है, मतलब ट्रैफिक सिस्टम तो अपना इंडिया जैसा ही है, थोड़ा जाम है यहाँ पर भी इतना, ये दूसरे कंट्री के जैसे नहीं है इतना। दोस्तों आज मैं आप लोग को मेरा जो गोप्रो कैमरा है गोप्रो 7 वाटरप्रूफ का टेस्टिंग भी करेंगे, और उसके साथ साथ आप लोग को पानी में जाके, अंदर जाके, पानी के अंदर जाके आप ये निकाल के दिखाएंगे आप लोग को, तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप लोग। क्या बात है, ये पूरा मेन हाईवे है उनका, हाईवे रूट है। वेल दोस्तों, मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेगा, फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि थोड़ा वीडियो वीडियो लंबा हो सकता है इसके लिए। और दोस्तों ये देखो, ये उनका नेशनल हाईवे है, बहुत खूबसूरत है यार, क्लियर दिख रहा है आगे तक। क्या बात है, बढ़िया है, लेकिन हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है, ये व्यू भी है वहाँ पे, मस्त व्यू है। दोस्तों हवाई हो गया और इसे फ्रांस पोलिनेसिया हो गया, ये सब आइलैंड कंट्री में ना
आपको बीचेस बहुत अच्छा लगेगा, मतलब समुद्र के किनारे बैठ के बहुत आप लोग एंजॉय कर सकते हो, उसी के लिए ये फेमस है और बड़े बड़े रिजॉर्ट रहता है यहाँ पे। ये व्यू तो मस्त, वाओ। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये दोस्तों। ये गांव है ना, ये जो कंट्री है पूरा ग्रीन ग्रीन है, पूरा नेचुरल ये है, मानना पड़ेगा। लेकिन ये हर जगह जा रहे हैं यहाँ पे, वाओ। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था, ये जो कंट्री है आइलैंड कंट्री, ये अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले यहाँ पे यूरोपियन मतलब यूरोपियन लोग आए और यहाँ पे कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। जैसे कि हम लोग हमारे जैसे इंडिया में जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश लोग कॉलोनाइज किया था, वैसे ही कॉलोनाइज किया। बट एनीवे यू नो ये 500 BC में उनका पोलिनेशियन फ्रेंच पोलिनेशियन लोग ही रहते थे यहाँ पे। क्या बात है, ये देखिए कितना नज़ारा है, खूबसूरत है यार ये। मतलब वो लोग का बोलते हैं कि साल भर ऐसे ही रहते हैं वो लोग का जो झाड़ है, इतना खूबसूरत है कि। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं ओवर ब्रिज से, ये देखिए क्या बात है यार, काफ़ी खूबसूरत लगता है यार, वाह गजब जगह है यार ये। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आप लोग को दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग वैसे रियल में जाके देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका जो नेबर कंट्री है, जैसे फिजी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और आपका क्या बोलते हैं न्यू कैलिडोनिया हो गया, ये सब आसपास है उनका। और दोस्तों ये सामने से देखिए आप लोग, राइट साइड में देखिए क्या नज़ारा है यार, ये देखिए वाओ, ऊपर से इतना खूबसूरत दिखता है ना, क्या बोलो। अभी चल ड्राइवर से कुछ बात करेंगे, अभी बात कर रहे हो कुछ। नाइस, कोको बीच, या कोको बीच है, एंड नॉट फार टू द कोको बीच वी हैव अ प्लेस ऑफ द स्टीग्रे एंड ब्लैक डीप शैक, कैन गो एंड ट्राई, या ओके, बट यू नीड टू रेंट द कायाक, ओके, या यू नीड टू रेंट द कायाक, बट इफ यू वांट यू कैन बुक अ टूर, ओके, नाइस इंफॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो को देख के कैसा लग रहा है और ये जगह देख के कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, और फॉलो करना भूलिएगा मत मेरा फेसबुक तानिको पे। वेल दोस्तों अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी यहाँ पे बीच पे, बीच का नाम तो पता नहीं अभी यहाँ, लेकिन काफ़ी दूर लगा, मतलब 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स ऐसे ही लगा जैसे बोला उसने। वेल अच्छा लगा, तो शायद बीच तो बहुत अच्छा रहेगा, ये क्लीन दिख रहा है मेरे को, स्नॉर्कल तो नहीं कर सकता शायद यहाँ पे, बट एनीवे हम लोग एंजॉय करेंगे अभी ये बीच पे। गोप्रो से कैमरा वीडियो निकालेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। और मेरे भाई अभी घास आ गया ये साथ में, देखो दोस्तों ये जो सिटी है कम से कम 27,000 कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो इसीलिए बहुत बढ़िया है, मतलब सुकून है, आराम का ज़िंदगी जीने का भी है। क्या बात है, बढ़िया है, लंबा आदमी आ गया फिर से, डैनियल लंबा आदमी है, बहुत लंबा है। चलो दोस्तों यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी दूर है लेकिन चलो, ये आदमी बहुत कम है आज यहाँ पे, चलो खेल रहे हैं, फैमिली साथ में है, ओके बढ़िया है, इट्स गुड, या लेस पीपल, या सो जितना आदमी होना चाहिए था इतना नहीं है, पर इतना कल का जैसा तो इतना साफ नहीं है पानी, बहुत साफ था पानी, ओके बहुत दूर आए हम लोग, बहुत दूर आने के बाद ये बीच मिला हम लोग को। अभी GoPro कैमरा लेके जाएंगे अंदर, पानी में निकलेंगे वीडियो। चलो तो फिर दोस्तों अभी हम लोग पानी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे GoPro कैमरा यूज़ करेंगे पानी के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैं ये विदाउट क्या बोलते हैं वाटर प्रूफ जो कैस रहता है वो नहीं है, और ऐसा ही वीडियो बनाएंगे अभी पानी में, अभी देखते हैं कितना मतलब वाटर प्रूफ है, 100% वाटर प्रूफ है क्या है देखेंगे अभी। GoPro 7 है ये मेरा, ठीक है,
अगर ये खराब हो गया तो बाद में GoPro 10 ले लेंगे मैं। चलो ओके पानी के अंदर मच्छी ढूंढ रहा था। देखिए दोस्तों आज मैं आप लोग को पानी कितना क्लीन है दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए अंदर इतना क्लीन है, ये देखिए ये काफ़ी दूर पे है थोड़ा, तो कितना क्लीन दिख रहा है देखिए। और आप लोग को मच्छी भी देखने को मिलेगा, आगे तक देखते रहिएगा वीडियो को। ओके आई गो इनसाइड। जैसे आप लोग डिस्कवरी चैनल में देखते हैं पानी के अंदर से मतलब वीडियो निकाल के मच्छियों को दिखाते हैं, अभी देखो आप लोग मच्छी देखने को मिलेगा। देखो देखिए पानी के अंदर जो मच्छी है क्लियर देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिए देखिए और बहुत सारे मच्छी है। और ऊपर से ये देखिए मच्छी, और ऊपर से पता है आपको पानी के अंदर जो पत्थर रहता है और कुछ भी रहता है मतलब जो स्नॉर्कल हम लोग इधर ही करते हैं मच्छी, देखो देखो सो पत्थर और उसके साथ ये देखो ये सब मतलब डिस्कवरी में कितना बहुत अच्छे से दिखाता है। लेकिन कैमरा तो वैसा ही कैमरा लेके जाता है, मेरा कैमरा से भी स्टैंडर्ड कैमरा है, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का ये है कैमरा है मेरे से भी। लेकिन मेरा GoPro भी बहुत अच्छा है, GoPro भी मतलब अच्छा वीडियो निकालता है, क्वालिटी अच्छा निकलता है। देखिए आप लोग तो ऐसे निकाल के दिखाते हैं कितना, देखो अंदर कैसा है, देखिए ये पानी के अंदर है। लाल हो गया मेरा, इट्स सो हार्ड दोस्तों। बहुत सारे मच्छी है देखो, अलग अलग मच्छी है। देखो ये मीठा पानी तो नहीं है, और मीठा पानी में तो ऐसा मच्छी देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को शायद, क्योंकि पानी अगर क्लीन रहेगा तभी। शायद मैंने सुना शिलोंग में एक अच्छा जगह है मेघालय में, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे कैमरे यूज़ कर सकता है शायद बोरा पानी में। और ये देखिए मच्छी कितना मतलब अलग 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 टाइप का मच्छी है, वैसे सेम ऐसे ही मतलब कैरेबियन में भी ऐसा ही अच्छा अच्छा मच्छी देखने को मिलेगा आपको, हर कलर का मच्छी देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ऐसा येलो कलर का, बहुत सारे डिफरेंट मच्छी देखने को मिलता है वहाँ पर भी। देखिए वाव, और समुद्र के मच्छी साथ में रहता ना, एक साथ रहता है, देखो क्या बात है वाव। और वैसे बीच बीच में आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, और यहीं पे मच्छी रहता है। और मेरा पैर के सामने देखिए आप, ये देखिए मच्छी डिफरेंट कलर का है, कितना खूबसूरत दिखता है पानी के अंदर अगर ये मच्छी देखोगे तो आप लोग, क्या बात है वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कितने खूबसूरत है यार ये मच्छी। देखो मेरा पैर के नीचे है और मेरा पैर नहीं पहुँच रहे बराबर मतलब यू नो हाँ, देखो मैं थोड़ा डीप पे हूँ ना मैं, क्या बात है मच्छी नीचे घूम रहे, देखो मच्छी, और मेरा कैमरा इतना अच्छे से फोकस कर रहा है ना मच्छी को, देखो दोस्तों। ऐसे ही मैं आज मतलब क्या बोलते हैं ये फ्रेंड्स पोलिनेशिया में मैं हर जगह मतलब बीच पे जाऊंगी मैं, और बीच पे जाके मैं आप लोग को ऐसे समुंदर पे मतलब अंदर से मैं वीडियो निकाल के दिखाएंगे। मैंने तैर के देखा था, देखो बहुत मस्ती किया हम लोग यार, बहुत मस्ती किया। सो दोस्तों आगे तक देखते रहिएगा, ऐसे वीडियो लेके आएंगे मैं, अलग अलग डिफरेंट तरह से वीडियो निकाल के लेके आएंगे मैं। There you go. What happened, man? My eyes. Yeah. So what? Yeah. Well, दोस्तों देखिए ये जो समुंदर है मतलब बीच है ये सामने ही मतलब कितना खूबसूरत सा पहाड़ है ऊपर से हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ग्रीन दिखता है आसाम में, वाव बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। और हमारे गाज भाई पानी में तैर ले भाई, भाई तैर के दिखाओ भाई। ये मेरा दोस्त गाज स्विमिंग कर रहा है पानी में, देखो अभी नदी का पानी या तालाब का पानी और समुद्र का पानी बहुत डिफरेंट है स्विमिंग करने के लिए, अलग अलग एनर्जी लगते हैं आपको।
स्विमिंग करने के लिए। समुद्र के पानी अलग होता है और नमकीन पानी है ना, इसके लिए आपको थोड़ा यू नो मीठा पानी का जैसा फील नहीं होगा आपको। ये देखो मेरे को ना वाल दोस्तों, आज का जो ये मतलब बीच में जाके पानी में अंदर जाके गोप्रो कैमरा से वीडियो निकाला। सो वीडियो कैसा लगा? गोप्रो से वीडियो निकाला था मैंने अंदर जाके, पानी के अंदर जाके। और कल मैं दूसरा वीडियो दिखाई दूसरा जगह पे दिखाएंगे आप लोग को वीडियो बना के। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली बार। चलो बाय फॉर नाउ।